तो आपको बता दें कि गोवा पुलिस की टीम खाली हाथ तरुण तेजपाल के दिल्ली स्थित आवास से लौटी, क्योंकि तेजपाल घर पर मौजूद नहीं थे। हालांकि अब सूत्रों का यह कहना है कि उनकी पत्नी को भी ये मालूम नहीं है। पूछताछ के दौरान पत्नी ने यह बताया कि उन्हें भी नहीं मालूम कि तेजपाल कहां है। लगभग पौने दो घंटे तक तेजपाल के घर की तलाशी चली, वहां पर उनके घर वालों से पूछताछ की गई, लेकिन तरुण तेजपाल दिल्ली स्थित आवास पर नहीं मिले। गोवा पुलिस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम के साथ सुबह लगभग 6:30 बजे तरुण तेजपाल के जंगपुरा स्थित आवास पहुंची, लेकिन तरुण तेजपाल घर पर मौजूद नहीं थे। 24 घंटे से तरुण से नहीं संपर्क हुआ है, ये कहना है उनकी पत्नी का। पत्नी को भी नहीं मालूम है कि तरुण तेजपाल कहां है। तो आखिरकार तरुण तेजपाल है कहां? तरुण तेजपाल अगर घर पर नहीं है तो आखिरकार गोवा पुलिस की टीम का अब आगे कदम क्या होगा? कहां तलाशेगी तरुण तेजपाल को गोवा पुलिस की टीम? 24 घंटे से तरुण से संपर्क में नहीं है घर वाले, और साथ ही गोवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। दो घंटे तक ये पूछताछ चली, जिसमें अलग अलग सवाल गोवा पुलिस की टीम ने तरुण तेजपाल के घर वालों से पूछे। हालांकि घर वालों को भी नहीं मालूम है कि तरुण तेजपाल आखिरकार इस वक्त कहां है, क्योंकि 24 घंटे से उनके संपर्क में घर वाले नहीं है, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। कहां है तरुण तेजपाल की लोकेशन, इस बारे में भी घर वालों को मालूम नहीं है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गोवा पुलिस की टीम तरुण तेजपाल के घर से बाहर निकल रही थी, तब गोवा पुलिस की टीम से सवाल पूछे गए कि आखिरकार तरुण तेजपाल कहां है, लेकिन गोवा पुलिस की टीम ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सर अंदर की सर किसी से क्या क्या बात हुई सर? हमारे दोस्त संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तरुण तेजपाल के घर के बाहर से। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चिराग गोठे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल पंकज से करेंगे। पंकज, आपसे पहले भी हमने ये पूछा था और साथ ही आपने भी गोवा पुलिस से सवाल किए थे कि आखिरकार कहां है तेजपाल, तो क्या वाकई घर वालों को भी नहीं मालूम है कि इस वक्त तेजपाल की लोकेशन क्या है? रेहा, रहस्य का पर्दा अभी भी बरकरार है। करीब 6 बजे गोवा पुलिस के कर्मी आए थे दिल्ली पुलिस के काउंटर पार्ट के साथ, करीब 7:30 बजे वो यहां से निकले। जानने की हमने भरसक कोशिश करी कि आखिर तरुण तेजपाल अंदर हैं या नहीं है, बातचीत गोवा पुलिस की किससे हुई थी, उन्होंने अगर इन्वेस्टिगेशन करी तो क्या करी, किसकी करी, इस बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। अब यहां पर दो बातें जरूर उठती हैं। एक तरफ तरुण तेजपाल ने विश्वास दिलाया है गोवा पुलिस को कि वो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के साथ कोऑपरेट करेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वो अपने आप को पेश करेंगे। दूसरी तरफ गोवा पुलिस का यहां पर आना और खाली हाथ चले जाना इस बात की आशंका भी जताता है, क्या गोवा पुलिस को खुद मालूमात है या नहीं कि आखिर तरुण तेजपाल है कहां। गोवा पुलिस दिल्ली में उनके आवास पर मौजूद थी, एयरपोर्ट पे मौजूद थी, गोवा सदन में मौजूद है, सूत्र बता रहे हैं मुंबई में है और गोवा में भी है, तो आखिर तरुण तेजपाल है कहां? वो दिल्ली में ही है, किसी और आवास में है, मुंबई तो नहीं पहुंच गए या पहले से ही गोवा में है, इस बात की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि यहां पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इतनी बात तो वो तय बता रहे हैं कि इस लुका छुपी के खेल से तरुण तेजपाल अपनी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी चाहे कुछ भी हो जाए वो तो निश्चित ही है। जी, बने रहिए हमारे साथ, जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ रही हैं तरुण तेजपाल की। चिराग गोठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग, गैर जमानती वारंट के लिए अर्जी दाखिल की गई है, कब तक ये वारंट हासिल हो सकता है गोवा पुलिस को? जाहिर तौर पर अर्जी दाखिल की गई है और ये माना जाएगा कि आज ही नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा अगर तरुण तेजपाल पुलिस के सामने अपियर नहीं हुए। इस समय हम गोवा सदन में मौजूद हैं, अभी भी यहाँ गोवा पुलिस की टीम मौजूद है और बाकायदा इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तकरीबन 6 बजे के आसपास गोवा पुलिस की टीम और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम दोनों मिलकर जंगपुरा गए थे, लेकिन वहां तरुण तेजपाल नहीं मिले। जाहिर तौर पर परिवार वालों से पूछताछ हुई, कुछ डॉक्यूमेंट भी सीज किए हैं, लेकिन
तरुण तेजपाल कहाँ है ये नहीं पता, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि जो हाईकोर्ट में जो एंटीसिपेटरी इन्होंने बेल भी मूव की थी वो भी वापस ले ली गई है, तो ऐसे में आज पुलिस का कहना है कि वो अब किसी भी समय उनको गिरफ्तार करेगी। उनका सबसे पहला काम यही है क्योंकि जिस तरह के सबूत अभी तक हाथ में आए हैं, चाहे वो लड़की का बयान हो, सीसीटीवी फुटेज हो, इसके अलावा और विटनेसेस के बयान हो, इन सभी से एक बात साफ हो रही है कि वो पूरी तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके बावजूद वो अपीयर नहीं हो रहे पुलिस के सामने और अपनी कहीं ना कहीं क्योंकि इस वक्त तरुण तेजपाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोवा पुलिस इस वक्त गोवा सदन में मौजूद है, उनके अधिकारियों से अगर आपकी कोई बात हुई हो उनका आगे क्या कदम होगा? देखिए उनका साफ साफ यही कहना है कि अभी सुबह सुबह तकरीबन वो 6 बजे के आसपास जंगपुरा पहुंचे थे उनके घर पर, वहां वो नहीं मिले। अभी एक टीम पूरी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी गोवा पुलिस की टीम जो अंदर मौजूद है और लेफ्ट साइड पर दिल्ली पुलिस की जिप्सी मौजूद है, यहां से अभी दोबारा ये टीम जाएगी, कई जगह रेड्स करेगी क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हो सकते हैं, ऐसी केसेस में यहाँ गोवा पुलिस जो है बाहर जाकर रेड्स करेगी। लेकिन जब हमने खुद पूछना चाहा गोवा पुलिस के अधिकारियों से कि उनको क्या बाकी तरुण तेजपाल मिले हैं, कोई क्लू मिला है, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमें इतना जरूर बताया कि तरुण तेजपाल घर पर नहीं है, उनके परिवार वालों से जरूर बातचीत हुई है, कुछ दस्तावेज उन्होंने जब्त किए हैं और जाहिर तौर पर उनके परिवार ने यही कहा है कि उनको भी नहीं मालूम कि तरुण तेजपाल कहाँ है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो लीगल ऑप्शन अवेल कर रहे थे, हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मूव की थी उसको भी वापस ले लिया है, तो आज ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी हो सकती है। गोवा पुलिस के अधिकारी इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि उनका सबसे पहला काम यही होगा कि वो क्योंकि उनके खिलाफ काफी सबूत जी चिराग बने रहे हमारे साथ पंकज करूँ करेंगे पंकज क्योंकि चिराग जानकारी दे रहे हैं कि कुछ अहम दस्तावेज वहां से हासिल किए हैं गोवा पुलिस की टीम ने। कई घंटे तक लंबी ये पूछताछ चली वहां पर उनके परिवार वालों से, क्या अहम जानकारियां मिली, क्या परिवार वालों ने जांच में सहयोग किया और किस तरह के दस्तावेज है जिसकी चिराग बात कर रहे हैं? देखिए अगर फर्ज भी किया जाए कि गोवा पुलिस को नहीं पता कि तरुण तेजपाल कहाँ है, तो फिर आखिर अंदर हम कयास लगा सकते हैं हुआ क्या होगा। ये बात तो निश्चित है कि अंदर उनके जो भी परिवार जन थे, गोवा पुलिस ने दिल्ली पुलिस के काउंटर पार्ट के साथ मिलकर उनसे जानकारी ली है। अब जानकारी कैसी ली गई होगी, पहली जानकारी तो उनके पासपोर्ट की तमाम जो डिटेल्स हैं वो ली गई होंगी इस आशंका के साथ कि कहीं तरुण तेजपाल देश छोड़कर बाहर ना चले जाएं। जैसा कि मैंने कहा कि गोवा पुलिस के कुछ कर्मी एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, शायद अलर्ट दिया गया हो कि ऐसा ना हो कि चकमा देकर तरुण तेजपाल देश छोड़कर निकल जाएं। हालांकि अगर ऐसा होता है तो अपने लिए मुसीबत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे। साथ ही साथ अब और क्या होगा, अगर तरुण तेजपाल फर्ज किया जाए कि गोवा पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं या फिर गोवा पुलिस को उनके वेयर अबाउट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो उनके परिजनों के साथ साथ उनके निकटवर्ती जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ करी जाएगी, उनसे मालूमात करी जाएगी कि आखिर वो है कहाँ। साथ ही साथ जो उनका फोन है वो ट्रेस किया जाएगा, सर्विलेंस पे उसे रखा जाएगा आखिर ये है कहाँ। मुसीबत उनकी बढ़ने वाली इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले से ही फैक्स रिप्लाई दिया है गोवा पुलिस को, ये विश्वास दिलाते हुए कि वो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोऑपरेट करेंगे और कोर्ट ऑफ लॉ के सामने अपने आप को पेश करेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी नेहा जरूर बनी हुई है क्योंकि कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर कुछ नए चेहरे देखे हैं, शायद वो पुलिस कर्मी है सिविल क्लोज में, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो परिजन है उन्होंने विश्वास दिलाया हो कि शायद थोड़ी देर बाद तरुण तेजपाल यहाँ पर आएंगे और अपने आप को सौंप देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो लीगल ऑप्शंस तलाश रहे हो और वापस आए, लेकिन निश्चित तौर पर तो कहना बहुत मुश्किल है आखिर अंदर चल क्या रहा है, यहाँ पर लुका छिपी का खेल चल रहा है। पुलिस भी एक एजेंसी जो बता सकती थी आखिर असल में हो क्या रहा है वो भी इस वक्त कुछ भी बताने से कतार रही है।